from me and mom together, wish you all a very, very happy Mother's Day. जी सिर्फ मदर्स डे ही नहीं, मतलब मेरा मानना ये है कि क्यों सिर्फ एक दिन हम यू नो सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ तक कंसर्न्ड मम्मी की बात है तो हम मतलब हर ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, या यू नो जैसे ही मतलब हमें वक्त मिलता है हम डिनर्स पर जाते हैं, यू नो। सो आई थिंक इट्स नॉट ये एक दिन को सिर्फ यू नो सेलिब्रेट करना या सिर्फ एक दिन को इतना महत्व देना, आई फील हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। व्हाट डू यू से? ऑफ कोर्स मदर्स डे शुड बी हर दिन होना चाहिए। हाँ ये है कि बच्चों के पास टाइम नहीं है आजकल, तो मदर्स डे सिर्फ वो दिन नहीं सेलिब्रेट हो, पर हम लोग तो रोज़ सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे। जब भी टाइम मिले हम बाहर जाते, तो हाँ हम ये नहीं बोल सकते कि ये दिन मदर्स डे या वो, क्योंकि इनके शेड्यूल ऐसे है कि हम कुछ डेफिनेट बोल नहीं सकते उनके बारे में। बट वी अप्रिशिएट कि हम लोग साथ में मिल के टाइम पास करें, भले घर में बैठे हो, पर दैट इज़ वो मेन है। इट इज़ नॉट कि हमको कोई स्टार फाइव स्टार या कोई रेस्टोरेंट या कोई, हम घर में भी बैठ के मदर्स डे सेलिब्रेट कर। और मेन इज़ आजकल टाइम, टाइम बहुत मुश्किल है आजकल बच्चों के लिए। तो जब भी इसको टाइम मिले, मैं आ जाती हूँ या वो आती है या हम लोग बाहर मिलते हैं, तो ऐसे हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। So it's not only Mother's Day. I think जैसे all mothers और daughters की bonding होते हैं, हाँ ये है कि आजकल I think parents को बहुत ही सोच समझ के अपना ये राय लेना चाहिए। because क्या होता है आज बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन लोग माँ बन जाते हैं और हम बच्चे बन जाते, तो क्या होता बहुत हम लोग बहुत बहुत इंस्ट्रक्शंस लेते हैं उन लोग से, उनके फीडबैक लेते हैं, उनके लाइफस्टाइल्स जो है अलग हो गए अभी कंपेयर टू हम लोग के जो लाइफस्टाइल। तो आई थिंक नाउ हम लोग के जो माइंड है, हम लोग के जो सोच है एक्चुअली बहुत अलग हो गया आजकल। एक्चुअली मम्मी एक चीज़ नहीं बता रही है, मम्मी क्यों ऐसे कह रही है कि मैं मम्मी बन गई हूँ और मम्मी डॉटर बन गई है, बिकॉज क्या है कि यू नो आई एम मैरिड, तो आई ऑब्वियसली गेट कंसर्न कि मम्मी अकेली रहती है, तो यू नो एक कॉन्स्टेंट वो रहता है कि नहीं नहीं। और एक्चुअली क्या होता है, जैसे बच्चे थ्रू आउट बचपन से अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जितना ध्यान उन्होंने रखा है, जितना कंसर्न उन्होंने दिखाया है, तो आई थिंक एक यू नो इट्स लाइक पूरा एक सर्कल हो जाता है कि बच्चे पेरेंट्स बन जाते हैं। तो अभी वैसे ही है, बट मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि यू नो मम्मी इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक। यू नो अगर कोई कह दे कि अरे तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, बट अगर मुझे सच जानना है तो शी इज़ द ओनली पर्सन आई गो टू। मतलब आज तक एवरी डे जब मेरा एपिसोड टेलीकास्ट होता है, ये मुझे व्हाट्सएप भेजती है कि आज ये अच्छा था, आज ये अच्छा नहीं था, यू नो आज तुमने अच्छे से मतलब वाह एनर्जी कम था, ये वो मतलब मम्मी मुझे बोलती है। और बाहर ऐसा है कि लोग तारीफ कर रहे हैं, बट यू नो जो एक ग्राउंडेड वाली चीज़ है, जैसे यू नो एक चीज़ है कि वॉट एवर आई एम टुडे, यू नो जैसे मैं सोचती हूँ या जैसे मैं ग्राउंडेड हूँ, आई थिंक उसका क्रेडिट सिर्फ मम्मी को जाता है, बिकॉज बहुत ही नॉर्मल अपब्रिंगिंग रही है। और वो आज तक आई कीप टेलिंग पीपल, जैसे मैं मुझे याद है मैं एक बार अवार्ड लेके आई थी, यू नो सो मम्मी सेड के बट वाई यू वेयरिंग दिस ड्रेस, यू नो सो इट्स लाइक इनसे कोई नहीं जीत सकता राइट। तो बट आई एम हैप्पी क्योंकि आपको चाहिए ऐसे लोग, यू नो यू नीड दैट ऑनेस्टी इन योर लाइफ। इसके लिए भाई मैं तो हमेशा कहती हूँ कि घर पे क्या, मैं बाहर भी स्टार वार नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन एक्टर हु इज स्ट्रगलिंग, हु इज लर्निंग। तो या मुझे बचपन में बहुत मार पड़ती थी, मेमोरी है मेरी, मुझे बहुत मार पड़ती थी और मुझे
मतलब ये भी एक चीज़ है दैट यू नो बीइंग अलोन, लाइक हम एक ऑल वुमेन्स टीम है या बिकॉज यू नो शी इज़ मतलब अकेले हम रेज डस मी और मेरी बड़ी बहन, तो एक वुमेन टीम ही रहा है हमारे घर में. कभी मुझे इस चीज़ की कमी या एक फ़र्क नहीं लगा, यू नो जैसे जो खिलौना चाहिए वो मिला, बट एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से थी. तो डेफिनेटली ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर. जैसे आज भी अगर मुझे पैसे की वैल्यू है या फिर अगर मुझे पता है कि नहीं, यू नो इट्स वेरी इजी हमारे प्रोफेशन में बह जाना चीज़ों में, यू नो सो मेनी थिंग्स लाइक टीनेजर्स गेट इनटू थिंग्स लाइक ड्रग्स और अल्कोहल, ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों फ्रीडम हमेशा हमें था. मम्मी ने कहा कि जो करना है करो बट जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, यू नो. और बहुत कम पेरेंट्स इतना फ्रीडम इतना ट्रस्ट दिखा पाते हैं बच्चों में. तो वो एक चीज़ रही थी कि यू नो मेरे फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स के इश्यूज़ घर पे लेके आते थे एंड मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था. तो वो लोग बोलते थे कि आंटीज़ को कहो कुछ करने के लिए, यू नो लाइफ में ये. एंड मम्मी बहुत ही कूलली एट दैट एज, यू नो जब हम टीनेजर्स थे, उनको समझाती थी. शी वॉज नेवर द काइंड ऑफ मदर जो यू नो कि नहीं ये मत करो वो मत करो, वैसे वाला नहीं था. बट ऑफकोर्स या आई हैव मम्मी, यू नो हमें हर समर हॉलीडेज़ में छुट्टी पर लेके जाती थी. यू नो वीव गॉन टू ऊटी, वीव गॉन टू अदर प्लेसेस. तो आई रिमेंबर सो मेनी थिंग्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ऐसा कभी भी कोई कमी महसूस नहीं हुई, यू नो कि ओ यू नो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कोई चीज़ पर, तो ऐसे कभी नहीं लगा. नहीं हम तो सेम ही है जैसे वो पहले थी, मतलब हमको तो सेम है. मेन क्या हमको ऐसे दामाद मिले हैं कि वो दैट इज़ द मेन इशू कि ही इज़ सो रिस्पॉन्सिबल, ही सो केयरिंग, ही सो लविंग. तो मैंने कभी वो महसूस ही नहीं किया कि वो दूर चले गए या वो शादी करके गए, यू नो बिकॉज आई गॉट दोनों दामाद बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है. सो मुझे कभी वो फील हुआ ही नहीं कि ये दोनों शादी करके गए, यू नो अलग हो गए. एंड हमेशा मेरी बड़ी वाली अभी दिल्ली में है, रोज़ फ़ोन करेगी रोज़. तो वो बॉन्डिंग अभी तक है और उसकी भी जो हस्बैंड है बहुत ही अच्छा, बहुत केयरिंग है. तो मेरे को कभी कोई टेंशन नहीं हुआ उस बात का. सो ये एक पॉइंट जो मम्मी ने याद दिलाया, तो जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी इनसे ज़्यादा बनती है. तो जब भी मम्मी को कुछ बताना है कि यू नो मैं चुपके से यहाँ चली गई या ये हुआ वो, हम लोग गॉसिप पार्टनर्स हैं. या सो वो उनसे ज़्यादा शेयर करती है, मुझसे कम शेयर करती है क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं अपने घर की टीचर हूँ. तो वेदर इट्स यू नो मेरी सिस्टर से बात करना, सबसे बात करना, मैं सबको सिखाते रहती हूँ. सो मेरी मदर की एक्चुअली मेरे हस्बैंड से ज़्यादा बनती है, विच इज़ सो ब्यूटिफुल बिकॉज यू नो दे से कि शादी के बाद यू नो ये नहीं कर पाएगी लड़की या वो नहीं कर पाएगी. आई फील दैट यू नो मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगना इज़ द बिगेस्ट विक्ट्री. यू नो जैसे ही लाइफ अगर सेम होना, जो मेरी सेम नहीं, इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि मैं ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और मैंने ज़्यादा शोज़ किए हैं, मैंने ज़्यादा काम किया है आफ्टर गेटिंग मैरिड. सो आई थिंक अगर ऑल द मैरिड वुमेन जो ये देख रही हैं, कोई छोटे वे में भी मैं उनको इंस्पायर कर सकती हूँ, तो आई थिंक इट्स ग्रेट. एंड नॉट ओनली द हस्बैंड, इवन हर मदर इन लॉ, इवन द इन लॉज, वो लोग भी बहुत ही अच्छे हैं. मतलब वो बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, मतलब बॉन्ड करने के लिए एंड टू बी एबल टू हेल्प देम इन देयर यू नो मैरिज. सो हम लोग के लिए इट इज़ नेवर बिन एनी थिंग के शादी करके चले गए लड़की, यू नो और माँ अकेली रह गई, वो कभी हुआ ही नहीं ना, वो थॉट कभी आया ही नहीं. अभी एक बेटा भी मिल गया. हाँ आई थिंक मैं एक्टर बनी ही मम्मी की वजह से हूँ. क्योंकि बहुत कम लोग ये एक्चुअली कोई नहीं ये नहीं जानता, दिस द फर्स्ट टाइम गोना शेयर कि मम्मी यू नो अपने टाइम्स में शी वॉज अप्रोच, तो वो शायद एक्ट्रेस बन जाती. बट ऑफ कोर्स तभी का ज़माना अलग था, टाइम्स वर डिफरेंट एंड यू नो बट तो कहीं ना कहीं उनके दिल में डेफिनेटली ये था ये बात. और यू नो उनके जीन्स डेफिनेटली मुझ में आए, तो बचपन से ही ये ड्रामे करना, सबके सामने जाके खड़े होके डांस करना, ये सारी चीज़ें तो मुझ में थी ही. बट बीइंग अ सिंगल मदर, अपने रिश्तेदारों को आंसर करना, वो सब इन्होंने किया है.
यू नो मैंने तो सिर्फ इनको बोला है कि मुझे क्या करना है या मुझे किस चीज़ का शौक है, तो वो इन्होंने वंडरफुली हैंडल किया है. और लोग तो बोल, कौन नहीं बोलता लोग तो बोलते ही है आप अच्छा करो तो नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ और होगा, आप बुरा करो देखो क्या कर रही है. तो वो नेवर एंडिंग है, बट लोग का काम ही है कहना, कहना ट्रू. बट एक विश्वास जो इन्हें मुझ पे था और जो मुझे लगता है कि अगर 1% भी मैं इन्हें प्राउड कर पाई हूँ आज, तो वो सिर्फ इनके विश्वास की वजह से है. बिकॉज इट्स योर पेरेंट्स आई फील, एंड आई एम लकी, यू नो बहुत सारे पेरेंट्स कभी कभी सपोर्ट नहीं करते और किड्स को खुद अकेले जाके ये करना पड़ता है. बट आई फील उसमें बहुत रिस्क भी होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे इन अ सिटी लाइक बॉम्बे यू नो मेंटली भी बहुत अकेले पड़ जाते हैं, और दिस इज़ नॉट एन ईजी इंडस्ट्री. सो टू हैव अ सपोर्ट इन योर पेरेंट्स इज़ द बिगेस्ट थिंग. मैं तो 100% देती हूँ उनको. मैंने तो सिर्फ यू नो आई मीन इट्स नॉट कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट जैसे मैं कह रही हूँ आज भी मेरा एक एक एपिसोड देखना और मुझे बताना इज सपोर्ट ओनली. यू नो एवरी स्मॉल थिंग, मतलब स्टार्ट में जब हम साउथ की फिल्में करते थे तो मम्मी 40-40 डेज मेरे साथ बैंगलोर आती थी हैदराबाद, और वहाँ पे एक नो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था तो एक ही रूम में बैठे रहती थी. यू नो कोई लाइफ नहीं होती थी तभी वहाँ पे, मी और मम्मी अकेले होते थे. तो ये स्टेप्स मेरे लिए लेना एंड फॉर माई इवेंट्स, यू नो हम कहाँ कहाँ इवेंट्स करने जाते थे, एंड शी यूज़ टू कम विथ मी एट ऑल टाइम्स, यू नो लाइक अ बॉडी गार्ड. तो इट्स नॉट ईजी फॉर हर ऑल्सो, लेकिन आई गिव 100% क्रेडिट. या नहीं इनके, नहीं नहीं मैं तो सही बोलूँ कि इनकी सभी क्वालिटी अच्छी है. एंड इन फैक्ट एज वी ग्रो ना, और बच्चे बड़े हो जाते, नहीं बच्चे बड़े होते तो देन यू रियलाइज कि नहीं सही चल रहे. मतलब ये लोग जो हमको ज्ञान देते हैं ना, क्यों दैट हेल्प्स अस अ लॉट, बिकॉज चेंजेस में वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग. बच्चे जैसे बड़े होते हैं ना, चेंजेस बहुत ज़रूरी है. और माँ और बाप सोचे कि हम चेंज हो अपने आप को, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर बोथ, बिकॉज वही चीज़ जो है इनको स्टेबिलिटी इनके लाइफ में लेके आते हैं, एंड वी आर ऑल्सो मेंटली एट पीस. देखो ये तो आई थिंक ये नेवर एंडिंग है, क्योंकि क्या होता है मोबाइल जस जब से आए हैं ना, तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो लाइफ बहुत ही, चलो गुड फॉर द गुड ऑल्सो, बट उसमें प्रॉब्लम्स कितने आ गए. बिकॉज क्या होता है जो हम बैठे हैं साथ में और एक वो मोबाइल लेके बैठे, तो हमको वहाँ बैठने से कोई मतलब ही नहीं. बहुत पेरेंट्स का ये कॉमन कंप्लेंट. और कभी मिलने आए, और अगर आप मिलने आए और वो मोबाइल लेके बैठे, तो वो तो बहुत ही प्रॉब्लम्स मिलने. नहीं बट दिस इज द मेन प्रॉब्लम टुडे, ये मोबाइल जो है. शी कीप्स सेइंग कि व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हो. नाउ द थिंग इज दे डोंट अंडरस्टैंड कि वी आर वर्किंग ओनली, बिकॉज आजकल फोन भी एक सोर्स ऑफ वर्क हो गया है. सो इट्स नॉट जस्ट कि हम टाइम पास कर रहे हैं, बट या आई अग्री विथ हर कि यू नो आई फील ना हेल्थी लिविंग के लिए ये मोबाइल ठीक है, पर इतना भी नहीं कि यू नो मतलब खाना, हाँ नहीं फैमिली को नहीं भूले, पर खाने वक्त भी मोबाइल लेके बैठे, वो तो मेरा बहुत बड़ा कंप्लेंट है. तो आई होप ऑल द चिल्ड्रन एंड ऑल यंगस्टर्स खाने के वक्त मोबाइल पूरा बंद करके बैठे और कॉन्सेंट्रेट करें अपने खाने पे, बिकॉज दैट अफेक्ट्स डाइजेशन है, बहुत सी चीज़ें यू नो बॉडी है. आई थिंक शी इज़ गिवन मी बर्थ, शी इज़ गिव, दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू नो आप एक तो ये चीज़ है कि मैं क्या ही गिफ्ट इन्हें दे पाऊँगी, यू नो और इन्होंने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, बट देर इज़ नो वे आई कैन यू नो कॉम्पेंसेट एवर कि यू नो चलो मैंने ये दिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. और जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तो हम देते रहते हैं, यू नो यू बाय हर क्लोथ्स दैट शी लाइक्स टू वेयर, यू बाय हर ज्वेलरी, वो सारी चीज़ें ठीक है. बट आई थिंक मुझे जो लगता है अभी जो इन्हें
शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन एनी थिंग. आप इनको देखोगे तो तैयार भी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं. मुझे फोर्स करना पड़ता है. आई थिंक अभी एट दिस पॉइंट जो गिफ्ट इन्हें चाहिए इज स्पेंडिंग टाइम विथ यू नो मी एंड माई सिस्टर एंड मतलब सारी पूरी फैमिली के साथ जितना टाइम. That is, I know, that is the biggest gift. And you know, कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं हम इतने बिजी है तो कुछ चीज़ खरीद के दे देते हैं, सो दैट वो एक वो कभी कॉम्पेंसेशन नहीं होता है. सो आई थिंक गिविंग योर पेरेंट्स योर टाइम इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट. एंड मैं तो इन्हें क्या ही दे पाऊँगी, एनी मटीरियलिस्टिक गिफ्ट तो नहीं. बट या आई मीन आई हैव बीन ट्राइंग कि मैं इनके साथ छुट्टी पर कहीं जाऊँ. यू नो अगेन वो एक तरीका होगा टाइम स्पेंड करने का विद फैमिली. सो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग. होपफुली इन मे होना चाहिए वो. सो या नहीं वो अलग ये है. हाँ अपन ये है जब इन लोग ये बोलते मुझे कि आपकी बेटी टीवी में है पर इतना सहमी हुई है और उसकी जो पूरा नेचर इतने अच्छे है वो मुझे बहुत प्राउड फील करते. मुझे इतना प्राउड नहीं होते कि ये टीवी में है या यू नो स्टार है या कुछ नहीं. पर अगर मुझे आके कोई बोले कि आपकी बेटी बहुत ही सहमी हुई बहुत ही अच्छी है सुलझी हुई है तो वो मुझे बहुत प्राउड होती है. बिकॉज मुझे मेन क्या है मेरा फिर अपब्रिंगिंग पे मैं सोचती कि हाँ 100% मैंने कॉन्कर किया है ये चीज़. मम्मियों का यही है कि सुलझी हुई ये सब बाकी कोई एक्ट्रेस वो सब से कोई लेना देना नहीं है. तो वो चीज़ तो आई मीन जब लोग भी मुझे देखते हैं वो कहते हैं कि आप ग्राउंडेड नहीं आप अंडरग्राउंड हो. क्योंकि घर पे हमेशा वही रहा है कि आप दैट इज़ योर जॉब. जैसे कहते हैं ना 9 to 5 कोई कर रहा है तो वो ऐसी वो चीज़ नहीं है कि भाई ओ ये कुछ अलग कर रही है. नहीं बिल्कुल नहीं. मतलब अगर कोई आके ऑफकोर्स अप्रिशिएट भी करता है तो मम्मी का रिएक्शन ओ ओके ओके गुड ऐसे. तो वो एंड इनफैक्ट अभी थोड़ी बहुत जो तारीफ बट नॉर्मली मम्मी मेरे दोस्तों को शायद बता दे. मेरे सामने तो कभी तारीफ नहीं होती बट डेफिनेटली देर इज़ अ प्राउड फीलिंग दैट लाइक शी सेड मोर के एक ग्रेस एक रिस्पेक्ट रखा है यू नो एंड आई थिंक वही हर पेरेंट को चाहिए. सो मतलब क्या होता है कि अपब्रिंगिंग पे जब इंसान बोले ना तो वो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट टू एनी मदर कि उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी किया आपने कि मतलब हम लोग ये सोचते कि टीवी में हो के भी यू नो ऐसे भी होते लड़की लोग. सो दैट इज़ वेरी अ वेरी प्राउड फीलिंग मोमेंट फॉर मी. नहीं अभी तक तो नहीं गए. अभी तक कभी नहीं गए. नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट इसने काफ़ी काम पहले भी किया है. मतलब टीवी मूवीज़ ने किया है. सो एंड जब मैं बचपन में छोटी थी तो उस टाइम भी टीवी पे किया एड्स किया. तो आई हैव बीन विथ हर. मैं उसके साथ हमेशा थी. पर अभी तो मैं सोचती ज़रूरत नहीं है. और मैं अपने कुछ काम करें जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिले. जैसे ही ना ये चैरिटी टू वॉज हेल्पिंग कोई बच्चे को हेल्प करे या कोई लोगों बुजुर्ग को हेल्प करे तो उसमें मुझे और सेटिस्फैक्शन. मम्मी के पास ना डेट्स का इशू है. मेरे डेट्स मिल जाएंगे मम्मी के डेट्स नहीं मिलेंगे. क्योंकि एक्चुअली मम्मी बहुत कुछ करती है. मतलब वो काफ़ी सोशल वर्क करती है. बच्चों को पढ़ाती है. 20-25 बच्चे हैं ऐसे. हाँ तो वो अभी मैंने दिलवाया तो वो उनको प्री स्कूल जो होता है जो मतलब अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं तो वो उनको पढ़ाती है ताकि वो फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू पास कर सके. तो वो सब मम्मी का बहुत चलते रहता है. तो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते टू गिव डोनेशंस एंड यू नो बच्चे तो उनको मैं प्रिपेयर करते टू गेट देम टू स्कूल विदाउट डोनेशन विदाउट पेइंग. तो वो सब काम में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है आज. मुझे सब स्टार्स पसंद है तारक मेहता में. एक्चुअली मुझे सब पसंद है. ऑल आर वेरी नाइस इन तारक मेहता. हाँ ये है इस पर थोड़ा मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि इसका क्रिटिकल साइड है एक्टिंग है या इसका ड्रेसेस है या इसका उस पर मैं थोड़ा जोर डालती. बाकी मुझे सब पसंद है. ऑल आर वेरी नाइस.
शी जेन्यूनली कीप्स टेलिंग मी कि इतना हार्ड वर्क है हमारे प्रोफेशन में, जो बाहर लोग हैं उन्हें एक्चुअली पता नहीं चलता, बट द अमाउंट ऑफ लिटरली वो जो पसीना जो हम एक्चुअली बाहर हमें एक सेलिब्रिटी या एक स्टार के तरीके से देखा जाता है, लेकिन इवन इन अ कॉमेडी शो यू नो इट्स टफर बिकॉज आपका कुछ भी सिचुएशन चल रहा हो लाइफ में और हमेशा तो हम ऐसे नहीं होते एक्साइटेड, लेकिन लोगों को हंसाना हर दिन यू नो भले कुछ भी चल रहा हो अंदर, तो आई थिंक इट्स टफ. और शी तो वैल्यूज एंड अप्री, क्योंकि ये जैसे मैं साउथ फिल्म में करती थी तो ये सेट पे आके बैठी रहती थी, तो शी इज तो स्पेंड 13-13 घंटे 14 घंटे सेट पे. शायद इसके लिए मम्मी को अभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैंने कहा बस ओवरडोज हो गया. बट नो नो, इवन आई वैल्यू एवरी एक्टर एंड मुझे लगता है कि छोटा हो या बड़ा हो दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि आपका कितना साइज ऑफ कैरेक्टर हो रोल हो, बट आप शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट कर पाते हैं. यू नो कभी कभी जिनका एक एक घंटे का रोल होता है एक फिल्म में वो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं करते जो सपोर्टिंग कास्ट करते हैं. सो या कुछ नहीं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मम्मी का एक अलग इसका आप आ जाइए अगली बार और सिर्फ मम्मी से बात कीजिए कि क्या क्या बच्चों को नहीं करना चाहिए. बट आई थिंक यही नोकझोंक है, यही मस्ती है जो एक रिलेशनशिप रखता है, यू नो कि कभी मैं मम्मी हूँ कभी ये मम्मी है. तो यही है कि जैसे मैंने कहा कि यू नो एट दिस पॉइंट हमें जितना वक्त हम बिता सके पेरेंट्स के साथ, सिर्फ मदर्स डे पे एक डिनर या एक लंच या गिफ्ट देना मायने नहीं रखता. आप रोज़ कितना, बिकॉज एक्चुअली मेरे केस में तो और हम सभी के केस में हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से है, तो आप रोज़ कितना वो वक्त बिता सको उनके साथ, आई थिंक उनकी खुशी सबसे ज़्यादा उसमें है. सो यस, सेलिब्रेट एवरी डे विथ योर पेरेंट्स एंड हाँ, उनके एक्सपीरियंस को कभी भी पिछड़ा हुआ ना समझे. काफ़ी बार हम इवेंचुअली उनका एक्सपीरियंस यू नो एक सही जगह से ही आता है. सो स्टे इन टच एंड यू नो सो मेनी पीपल आई नो आर स्टेइंग आउट ऑफ टाउन, पेरेंट्स से अलग रहते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए वक्त बनाइए रोज़, नॉट जस्ट वन डे. एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल यू मदर्स देयर. एंड एक बात कहना चाहती हूँ विद ऑल मदर्स एंड चिल्ड्रन कि वो बॉन्डिंग प्लीज़ रखना बच्चों के साथ, बिकॉज क्या है लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, कुछ पता नहीं चल रहा है आज यू नो कि नेक्स्ट डे व्हाट यू आर गोइंग टू रियली सी. तो वो बॉन्डिंग रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ एंड सेम फॉर द चिल्ड्रन. यू कीप अ बॉन्डिंग विथ योर पेरेंट्स बिकॉज बहुत ही मुश्किल है आजकल जो टाइम्स है. तो बस वही कहना चाहते हैं और सब ठीक रहे, खुश रहे.